हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं मैथ एक्सप्रेशन अनफेमिलियर ऑपरेटर्स। तो अनफेमिलियर ऑपरेटर्स हमारे पास क्या हो सकते हैं? आपने लास्ट टाइम मैथ के ऑपरेटर्स पढ़े थे, अब हम उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये उसी के पार्ट का उसी का सेकेंड पार्ट है। तो इसमें हम जो चीज़ कवर करने वाले हैं, हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को कवर करने वाले हैं, ठीक है जी, और हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर को करने वाले हैं कवर। तो खैर, चलते हैं इस चीज़ को हम एक प्रैक्टिकली एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मैंने जो है वो एक एचटीएमएल पेज बना लिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जाके यहाँ पे एक स्क्रिप्ट का टैग ओपन कर रहा हूँ। स्क्रिप्ट के टैग से क्या होता है, आप सबको पता है कि भाई हम इसके अंदर रहते हुए जावा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो अब हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर देखते हैं कि ये हमारी प्रोग्रामिंग में किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, इनका क्या पर्पज़ है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ। वेरिएबल को मैं नाम दे देता हूँ नम का, उसकी इनिशियल वैल्यू मैं रख देता हूँ 10, ठीक है जी। अब मेरे पास एक तरीका तो ये है कि अगर मेरे को 10 में 1 ऐड करना है, 10 को 11 बनाना है, तो मैं इसको कैसे बनाऊँगा। एक तरीका तो ये है कि मैं इसको 10+1 कर दूँ, क्योंकि ये मेरे पास क्या वैल्यू बनाएगा, 11, क्योंकि ये जो 1 है और ये जो 10 है, बीच में हमारे पास प्लस का ऑपरेटर है, ये बता रहा है कि भाई 10 और 1 को लो, इन दोनों को आपस में ऐड करके नम में स्टोर करवा दो। तो ये मेरे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 11 की, ठीक है जी। अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया, इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ज़रा सोचें। मुझे एक तरीका याद आया है, वो तरीका कुछ इस तरह से है कि इसकी इनिशियल वैल्यू 10 है, तो मुझे अगर इसमें इंक्रीमेंट करवाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर आके मैंने नम लिखा, नम लिख के मैंने नम को दोबारा नम लिखा और उसमें जो है ना मैंने +1 कर दिया, +1 करके मैंने यहाँ पे उसको नम में स्टोर करवा दिया। अब बेसिकली इस स्टेटमेंट को पढ़ें, इस एक्सप्रेशन को पढ़ें, ये एक्सप्रेशन आपसे क्या कह रही है। ये एक्सप्रेशन ये कह रही है कि भाई जो आपके पास नम की इनिशियल वैल्यू है जो कि 10 है, उसमें आप 1+ कर दें, यानी कि उसको अपडेट कर दें 11 में, और उसी को उठा के जो है वो नम में स्टोर कर दें, और ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, ये बन जाएगी 11। तो चलें इस चीज़ को ज़रा हम लोग चेक कर लेते हैं हमारे वेब पेज पे। तो मैं यहाँ पे एक नई चीज़ मुतारफ़ करवाने लगा हूँ आप लोगों को, होप कि मैंने ये पहले नहीं करवाई हो, document.write, ठीक है जी। और इसके अंदर मैं एक आर्गुमेंट पास कर, उसके अंदर जो मैं पास कर रहा हूँ वो वेरिएबल का नाम पास कर रहा हूँ जो कि नम है, ठीक है। यहाँ मैंने सबमिट कर दिया। बेसिकली ये document.write क्या करता है, document.write एक तरह का मेथड है जो कि आपके जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन है, या आपके जो चीज़ आप वेब पे प्रिंट करवाना चाह रहे हो, पेज पे प्रिंट करवाना चाह रहे हो, लेट्स से आपने एचटीएमएल में रहते हुए पैराग्राफिंग की होगी, पैराग्राफ का टैग पढ़ा होगा, आपने हेडिंग्स के टैग्स पढ़े होंगे, उसके थ्रू आप डेस्कटॉप पे, उसके थ्रू आप क्या कहते हैं कि ब्राउज़र पे कोई भी चीज़ आप रेंडर करवाते हो, रन करवाते हो, कोई भी चीज़ शो करवाते हो, प्रिंट करवा देते हो, इन शॉर्ट। तो document.write जावास्क्रिप्ट के अंदर रहते हुए हम ये काम document.write से करते हैं। तो उसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं जाता हूँ इसकी वेब पेज पे, मैं इसको कर देता हूँ फ्रेश। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 11 की। तो उसकी इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे मैं +1 कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास क्या कह रही है, 11 कह रही है, ठीक है जी। तो अब एक और तरीका है इस चीज़ को करने का, इस चीज़ को आप शॉर्ट एंड तरीके से भी कर सकते हो। शॉर्ट एंड तरीका है कुछ इस तरह से है कि आप नम लिखते हो, नम में आप क्या करते हो, प्लस का ऑपरेटर पहले लाते हो, प्लस के बाद इक्वल टू करते हो, फिर आप 1 कर देते हो, ठीक है जी। तो अब क्या होगा कि अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 12। तो मैं इसको जो है ना करके चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपने देखा कि इसमें 12 हो गया है, तो 12 कैसे हुए हैं, तो इस चीज़ को ज़रा हम चेक करते हैं। अब इस वक्त नम की जो वैल्यू है वो है 11। अब यहाँ क्या कह रहा है कि भाई 1 लो, 1 को जो है ना उसको प्लस कर दो इस नम में, यानी कि उसको इंक्रीमेंट करवा दो 1 के साथ। ये इसी के एक शॉर्ट हैंड तरीका है। चलो मैं आपकी आसानी के लिए कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। अब ये तरीका जो है वो थोड़ा सा लंबा है, ये तरीका थोड़ा सा शॉर्ट है, काम दोनों का एक ही है। नम प्लस इक्वल टू 1, यानी कि नम 1 को लो, उसको नम नाम के वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू में ऐड करवा दो। अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब इसमें जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, 11 आनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू जो है ना मेरे पास 11 आ चुकी है। अच्छा, इसका एक और एक शॉर्ट एंड तरीका है, अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप सिंपली ये कर सकते हैं कि मैं इसको कहता हूँ कि प्लस प्लस नम, और अब मैं
जो है इसको यहाँ नीचे कॉल करवा रहा हूँ। प्लस प्लस नम का मतलब है कि आप जो है ना नम वेरिएबल में एक ऐड करते जाएं, ठीक है ना, एक ऐड कर दो तो वो इसको लिखने का ये तरीका भी है। तीन तरह से हम इस चीज़ को कर सकते हैं, बल्कि चार तरह से। ऊपर वाली चीज़ मैंने आपको दिखा दी थी, लेकिन वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर में नहीं आता, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो है प्लस प्लस का मतलब है कि पहले जो है ना इसकी वैल्यू को अपडेट कर दो, फिर उसको नम नाम के वैल्यू में स्टोर कर दो। अब ये वैल्यू की इनिशियल वैल्यू क्या है, 10। ये प्लस प्लस वन प्लस प्लस क्या करेगा कि इसको 11 कर देगा, देन क्या करेगा उसको इस नम में क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। अब इस चीज़ को ज़रा हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 11 ही दिखा रहा है। तो ये जो तरीका है ना हमारे पास, ये हमारे पास कहलाता है प्रीफिक्स, सही है ना। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, प्रीफिक्स का मतलब सेम है कि पहले जो है ना हम वेरिएबल के नाम से पहले उसमें दो प्लस के ऑपरेटर्स डाल देते हैं, दो प्लस के डिक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर माइनस के डाल देते हैं, तो उससे पहले क्या होता है कि वैल्यू अपडेट हो जाती है, देन उसके वेरिएबल में स्टोर हो जाती है। अच्छा, इसका एक और तरीका है, वो एक और तरीका क्या हो सकता है कि मैं इसको प्लस प्लस कर दूँ, ठीक है, मैं इसको नम के बाद प्लस प्लस कर दूँ। तो ये तरीका जो मेरे पास कहलाएगा, वो मेरे पास कहलाएगा, ये मेरे पास कहलाएगा पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का मतलब आप लोगों को पता है कि प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। तो ये क्या करेगा कि पहले वेरिएबल को लेगा, वेरिएबल को कॉल करेगा, कॉल करने के बाद क्या करेगा उसमें वन ऐड कर देगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट होगा, और रिज़ल्ट आपको थोड़ा सा चेंज मिलने वाला है इस मतलब। तो देखते हैं क्या होगा, रिज़ल्ट आपको मिलेगा 10। देखा, 10 रिज़ल्ट मिला। तो 10 कैसे मिला, इसी सूत्र से हम कंसीडर करते हैं कि ये जो है हमारे पास नम प्लस प्लस, तो पहले क्या कर रहा है कि ये इस 10 को जो है ना यहाँ पे फेच कर रहा है, इसने इस 10 को फेच करने के बाद जो है ना इसमें इंक्रीमेंट कर रहा है, लेकिन ये एक ही लाइन में हो रही है, इस वजह से ये यहाँ पे वैलिड नहीं है। तो ये हमें उसकी ओरिजिनल वैल्यू ही दिखा रहा है। अगर इस चीज़ को मैं थोड़ा सा ऊपर जाके कर दिखा दूँ आप लोगों को, ठीक है, यहाँ मैं इस चीज़ को अगर शो कर दूँ, ठीक है, मैं इसको कहता हूँ कि नम प्लस प्लस, ठीक है यार, ठीक है। और अब मैं ज़रा इस इसको कॉल करूँगा तो आप देखोगे मुझे 11 मिल जाएगा। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न सिंपल है, जब हम इसको यहाँ पे कॉल करते हैं, ठीक है ना, इस एरिया में कॉल करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि पहले ये वैल्यू को फेच करेगा, फेच करने के बाद इसमें क्या करेगा, अपडेट कर देगा। लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एक ही लाइन में सारा अमल हो रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि ये जो है हम इस चीज़ को यहाँ पे कर रहे हैं पहले, ठीक है। ये तरीका हमारे पास पोस्टफिक्स के लिए, ठीक है। सेम यही तरीका हम कर सकते हैं डिक्रीमेंट करवाने के लिए किसी भी वैल्यू को, वो हम कैसे करेंगे आइए चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें जो है ना हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें बेसिकली क्या होगा हमारे पास, मैं यहाँ पे -1 कर दूँगा, ठीक है, और इसको मैं रिकमिट कर दूँगा, तो मेरे पास जो वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए 9। तो मैं सिंपली जो है ना उसको यूँ कर दूँगा, तो आप देखोगे मेरे पास वैल्यू आ गई 9। कैसे ये 9 आ रही है कि 10 की वैल्यू जो है वो इनिशियल वैल्यू 10 है, और माइनस कर दो 1 से, तो 10 -1 9, और उसको नम में स्टोर करवा दो। एक तरीका तो ये हो गया जो हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर में देखा था। अब एक और तरीका है कि इसमें हम माइनस पहले कर देते हैं, ठीक है ना। अब क्या करो कि भाई 1 को लो, 1 को माइनस कर दो इसकी वैल्यू के साथ, देन इसी में जो है ना आप अपडेट कर दो, इसका शॉर्ट एंड तरीका है। तो अगेन हमारे पास 9 ही आएगा, ठीक है जी। और सेम इसी तरह से जो है ना हम प्रीफिक्स डिक्रीमेंट कर सकते हैं, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगेन हमारे पास 9 आएगा, ठीक है जी। और अगर हम इसको अगेन हम इसको अगर इस तरह से करेंगे, तो दरअसल मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ, एक और एग्जांपल मिल जाएगी बहुत ज़बरदस्त। तो अब जो है मैं इसको माइनस माइनस कर दूँगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या लगता है आपको, क्या वैल्यू आएगी? मुझे तो लगता है कि 10 आएगी, देखते हैं क्या होता है। ओह, तो ये 10 ही आई है। तो कैसे 10 आई है, जिस तरह से ये पहले इंक्रीमेंट नहीं कर रहा था, उसी तरह से कि यहाँ पे डिक्रीमेंट नहीं कर रहा। अगर मेरे को इसी के अंदर रहते हुए कॉल करने से पहले ही मैंने जो है ना इसको करना है, कॉलिंग के दरमियान ही जो है ना मैंने इसको क्या करना है, डिक्रीमेंट करवाना है, इंक्रीमेंट करवाना है, तो मैं इसमें प्रीफिक्स यूज़ करूँगा, ठीक है। प्रीफिक्स करने के बाद ये इसमें क्या करेगा, डिक्रीमेंट कर देगा। देखा, इसमें डिक्रीमेंट कर दिया। तो गाइज, ये बेसिकली हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की एक छोटी सी वीडियो थी। होप कि आपको इसके हवाले से कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर आपको इसके हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में
मुझे उससे आगाह करें। और इसके अलावा आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल के हवाले से, तो काइंडली काइंडली अपनी राय से मुझे कमेंट बॉक्स में आगाह करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर, बाय। मे अल्लाह ब्लेस यू।